हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। बर्ड फ्लू पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम बर्ड फ्लू के मामलों पर नजर बनाए हुए हैं। मुर्गियों की रिपोर्ट पटियाला लैब भेजी गई है जो आनी बाकी है। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि वजह क्या है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद कदम उठाएंगे, हालांकि फिलहाल पंचकुला में स्थिति काबू में है। को दुखद घटना हुई है। मुर्गी खाने जितने हैं, पोल्ट्री फार्म्स हैं, उसमें बड़ी संख्या में मुर्गियां जो हैं वो बीमारी के कारण से हताहत हुई हैं, मरी हैं, और उसके हमने सैंपल जो है वो भेज दिए हैं पटियाला। हाँ, पटियाला भेजे हैं और पटियाला की रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा कि वो बीमारी उसकी कैसी है, क्या है, और उसके इलाज के लिए भी वहाँ से जो सुझाव आएंगे उस इलाज को हम लागू करेंगे। लेकिन पहले से स्थिति बेहतर है। जो एकदम मुर्गी मरने की जो स्पीड थी उसमें पिछले दो दिनों से अब वो स्पीड वैसी नहीं है, तो ऐसी जो भी बीमारी रही होगी तो इस बीमारी के बारे में एकदम जानकारी तब मिलेगी जब उसकी टेस्ट रिपोर्ट पटियाला से आ जाएगी। बहुत खुलकर बोले यहाँ पर, ये कहते हुए कि पंचकुला में स्थिति काबू है। इन्होंने कहा कि जिन मुर्गियों के मरने की खबर आई उन मुर्गियों के सैंपल भेज दिए गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद हम ठोस कदम उठाएंगे। और उसके साथ ही ये भी जानकारी दी कि उसके बाद से अभी तक वहां पर और मुर्गियां नहीं मरी हैं। बर्ड फ्लू पर जांच कर रहा है विभाग, लेकिन एहतियात सभी को अभी बरतना जरूरी है। रिपोर्ट का इंतजार जरूर कर रहे हैं आगे कदम उठाने के लिए, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले तक का जो समय है इसमें हमें सजग रहना होगा, जागरूक रहना होगा। पंचकुला में लगातार मर रही मुर्गियों को लेकर बयान दिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। बर्ड फ्लू पर खुलकर बोले, कहा उन्होंने कि रिपोर्ट के लिए, जांच के लिए सैंपल भेज दिए गए हैं और जैसे ही रिपोर्ट आती है ठोस कदम उठाएंगे। इस दिशा में भी लोगों की स्वास्थ्य के प्रति बेहद चिंतित नजर आ रहे थे सीएम इस दरमियान, जब उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद तुरंत कदम उठाएंगे, लेकिन इस बीच एहतियात जरूरी है, एहतियातन एडवाइजरी जारी कर